आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रानीपुर नगर आज बना पुलिस छावनी। कांग्रेसी जिला अध्यक्ष ने किया रानीपुर नगर पुलिस छावनी में तब्दील। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद, कई स्थानों से बुला ली थी पुलिस। उप जिलाधिकारी मृत्युंजय मिश्रा, क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार चौरसिया, रानीपुर चौकी इंचार्ज अनुज कुमार सहित कटेरा SHO तोड़ी फतेहपुर SHO सहित दर्जनों पुलिस बल रानीपुर के सभी चौराहों पर लगे हैं। आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी ने खाने पीने की चीजों व गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर किया भारी हंगामा। जुलूस व धरना प्रदर्शन का किया ऐलान, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय से जुलूस को थोड़ी दूर ही बढ़ने दिया और सभी कांग्रेसियों को कर लिया गया गिरफ्तार। 5 दर्जन के लगभग कांग्रेसी मौजूद थे, जिसमें 30 कांग्रेसियों का हुआ मुचकला। जुलूस धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी, राजीव कुमार जैन, अमित कुमार गुप्ता, छक्की लाल रथमेले, दीप नारायण सिंह परिहार, दीपक गुप्ता, छोटेलाल फुटरा, गोटी राम अखिलेशार समेत तमाम लोग मौजूद थे। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पूरी देश की आवाम, गरीब मजदूर किसान, मजदूर भाई हमारा तिल तिल जीने के लिए मोहताज है, लेकिन केंद्र में और उत्तर प्रदेश में ऐसी गूंगी बहरी सरकारें बैठी हैं कि जिनको इस देश की जनता, इस देश की आवाम के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जुल्मेबाज हैं, ये जुल्मा दिखाते हैं और जनता से वोट लेकर के सत्ता आसीन होकर के मदहोश हो जाते हैं। ऐसे आज जो महंगाई के खिलाफ आप देखिए, पेट्रोल 100 रुपये पार है, गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है, सब्जी आलू लेने जाओ तो 30 रुपये किलो है, भाजी लेने जाओ पालक की तो 80 रुपये किलो है, भिंडी खरीदने जाओ तो 40 रुपये किलो है, कद्दू जो 2 रुपये किलो मिलता था उसको लेने जाओ तो 65 रुपये किलो कद्दू है, लौकी लेने जाओ तो 40 रुपये किलो लौकी है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार के कानों तक जू नहीं रंग रहा, गूंगी बहरी सरकार इस जनता के दर्द को नहीं समझ रही, इसलिए हम लोगों ने पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोग जेल भरो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए कितना शासन, कैसा शासन ये कि हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते, कितना महकमा जोड़ दिया हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। योगी मोदी को शर्म नहीं आती कि हम हक की जनता के, इस देश की जनता के गरीब मजदूर की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमको लड़ाई भी नहीं लड़ने देते हैं। ऐसी गूंगी बहरी सरकार को 2024 में हमारी देश की आवाम, हमारे देश का गरीब मजदूर, हमारे देश का किसान मुंह तोड़ जवाब देगा। और सरकार भी नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। कांग्रेस पार्टी की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।